हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है कि इज अ पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल, लेट मी, मैंने डायग्राम बना दिया, दिस इज एबीसीडी, मेरा ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, किसकी जो अपोजिट साइड्स होती है, ठीक है, इट मीन्स ए बी और डी सी ये अपोजिट साइड्स हैं, एज इट इज ए डी और बी सी मेरी अपोजिट साइड, ये क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। एज इट इज ए डी जो है वो बी सी के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, यानी अपोजिट पेयर जो होता है वो मेरा क्या होता है, इक्वल होता है और पैरेलल होता है। इसके अपोजिट एंगल यानी ए इज इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी भी होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं यानी ए सी और BD जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। ये ध्यान रखना कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो समझ में आ गया पैरेललोग्राम क्या होता है। अब इसने क्या बोला कि इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, इसने बोला है कि AD प्रोड्यूस्ड यानी जब मैंने AD को प्रोड्यूस किया तब मुझे एक पॉइंट मिल गया E। E is the point on the side AD produced of parallelogram ABCD. AD को प्रोड्यूस तो मतलब A से D की तरफ आ रहे हैं, इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं DA प्रोड्यूस बोलता तो DA ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ABCD। एंड BE intersects CD, BE, B और E को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो क्या करती है, इंटरसेक्ट CD, CD को इंटरसेक्ट करती है एट F। किस पॉइंट पे, पॉइंट F पे इंटरसेक्ट करती है। शो दैट, मुझे प्रूव करना है कि ट्रेंगल ए बी ई, ट्रेंगल ए बी ई कौन सी है मेरी, ए बी ई, ये पूरी बड़े वाले ट्रेंगल, ये वाले जो ट्रेंगल है, ये पूरी बड़े वाले जो ट्रेंगल है वो क्या होगी, सिमिलर होगी कौन सी, ट्रेंगल सी एफ बी, ट्रेंगल सी एफ बी इस छोटे वाली ट्रेंगल के, यानी ये दोनों ट्रेंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहला काम जो करते हैं हम थ्योरम्स में कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है मेरे पास, दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है मेरा, पैरेललोग्राम। इसके अलावा कुछ गिवन है, इसके अलावा यही गिवन है कि मैंने एडी को प्रोड्यूस किया अप टू ई और ई बी को ज्वाइन किया तब सी डी पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो एफ पे, ठीक है। तो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट मेरे पास क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सेकेंड इज टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी ई यानी ए बी ई ये पूरी बड़ी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, ये मुझे प्रूव करना है। हम चलते हैं प्रूफ, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी सी डी जो पहला काम ये में गिवन है, तो एज इट इज लिख लेता हूं मैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये मुझे क्या है, गिवन है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैंने आपको बताया कि इनकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ए डी एंड दिस वन, ये जो साइड है वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के, ठीक है। देयरफॉर यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर AD मेरी BC के पैरेलल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ AE भी मेरी BC के पैरेलल होगी, यानी मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये, दोनों लाइन पैरेलल है। अगर मैं इस लाइन को प्रोड्यूस कर दूं तो ये क्या लाइन इसकी पैरेलल रहेगी, ये लाइन इसकी पैरेलल बिल्कुल रहेगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस क्या होती है, जिनको मैं कितना भी बढ़ा लूं किसी भी तरफ हमेशा उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है, यानी हमेशा वो क्या रहेगी, पैरेलल ही रहेंगी, ठीक है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि अगर AD BC के पैरेलल है तो AE भी BC के पैरेलल होगी, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी लाइन जो है इस पूरी लाइन के पैरेलल है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा ट्रांसवर्सल है, दो लाइन पैरेलल है उनके बीच में ट्रांसवर्सल कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन सा पेयर बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो सेम यहां पे एंगल ये जो है, लेट मी दिस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, यानी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, हो गया। वन और टू मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे।
इन दो ट्रायंगल्स में जो मुझे सिमिलर प्रूव करनी थी, एक एंगल मैंने इक्वल कर दिया है, ठीक है, बाय पैरेललोग्राम। सेम एज इट इज, क्या एंगल ए जो है वो सी के इक्वल होगा? क्या एंगल ए जो है सी के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो अब मैं जस्ट जो प्रूव करना है उसको एज इट इज उठा लेता हूं, लिखता हूं कि इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये तो मैंने प्रूव कर दिया, जस्ट प्रूव्ड। वन और टू तो जस्ट मैंने अभी प्रूव किया है, और एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल का एंगल ए, इस ट्रायंगल का एंगल सी, ये बड़े वाले ट्रायंगल में और ये छोटे वाले ट्रायंगल में इक्वल होंगे, क्यों होंगे? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर मेरे दो एंगल इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक इजी था, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। जस्ट ये मेरा पेयर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, और ये हो जाएगा मेरा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दैट्स इट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।